ये खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। लास्ट ईयर जब KGF आई थी तो किसी को यकीन नहीं हुआ था कि ये फिल्म एक बड़ा कलेक्शन करने में कामयाब होगी, लेकिन इस फिल्म ने जितने भी खोखले दावे किए थे लोगों ने उन सबको गलत ठहराया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, चाहे वो हिंदी वर्जन हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी वर्जन में फिल्म रिलीज हुई, जो कन्नाडा वर्जन में हो, हर वर्जन में इस फिल्म ने बढ़िया से बढ़िया कमाई की और ये कर्नाटका की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि इस फिल्म को दो बड़े अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड जो ऑल ओवर इंडिया में होता है, 1954 से चलता चला आ रहा है, ये 66th टाइम था कि नेशनल अवार्ड हुआ। और नेशनल अवार्ड जैसे कि हॉलीवुड का ऑस्कर हो, वैसे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड या फिर किसी के अवार्ड को थोड़ी बहुत भी मैं तरजीहत देता हूं या इज्जत देता हूं तो वो है नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट एक्शन फिल्म ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी को एक अवार्ड मिला तो KGF को मिला, कोलार गोल्ड फिल्म्स को। और एक और अवार्ड मिला, दो अवार्ड मिला, दूसरा अवार्ड था दूसरा अवार्ड था इसको एक्शन के लिए और एक स्पेशल जो VFX होता है ना, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। ठीक है, VFX आप उसे पकड़ लीजिए। तो ये दो अवार्ड मिला और कई लोगों के आई थिंक बहुत कुछ सोच रहे होंगे क्योंकि VFX में कई लोगों के मन में जीरो का भी ख्याल आया होगा। ऑफकोर्स जीरो में अच्छा VFX था, लेकिन आई थिंक मे बी जो ज्यूरी मेंबर्स थे, तीन चार जो थे, उन्होंने आके इस फिल्म को ही चूज किया। और एक्शन के मामले में ये फिल्म जबरदस्त थी। पिछले साल की इसकी जितनी भी एक्शन फिल्म आई थी उसमें से ये एकदम ताबड़तोड़ ब्लॉकबस्टर टाइप भी थी, बहुत अच्छा एक्शन था। और ये फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तभी समझ गया था कि फिल्म में बहुत कुछ दम लग रहा है। जब मैंने फिल्म देख लिया तो मुझे एहसास हो गया कि फिल्म बड़ी है और ये फिल्म का जो बुखार है वो जल्दी उतरने वाला नहीं है। और ये देखिए कितने महीने बीत गए हैं, लगभग 9-10 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी KGF का जो खुमार है वो उतरता नहीं नजर आ रहा है। और जहां पे मैंने स्टार्टिंग में प्रमोशन करने से शुरू किया था, मुझने सपोर्ट करना शुरू किया था, मेरे ख्याल से अक्टूबर में, मुझे याद है लगभग एक साल होने को आया, अगस्त एंड में ही किया था मुझे याद है, तो एक साल लगभग होने आया इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को। और जो पागलपन लोगों में इस फिल्म को लेकर है शायद ही किसी फिल्म को लेकर होगा। एंड आई एम वेरी प्राउड कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को पहली बार आई थिंक मेरे एक दोस्त ने कहा कि 10 अवार्ड्स मिले हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, इंक्लूडिंग उसमें से कई सारे ऐसे अवार्ड्स जो आई थिंक उम्मीद नहीं कर रहे थे। आई थिंक एडिटिंग का भी है मिला है, अब मैं पूरा गो थ्रू नहीं किया तो माफी चाहता हूं, बट स्टिल 10 अवार्ड्स मुझे पता है मिले हैं और कई सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हैं जो जिसमें मैं आई थिंक मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अवार्ड्स नहीं मिल पाते, इवन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं मिल पाते, लेकिन इस बार दोनों फिल्मों का जलवा था, ये एक बड़ी बात थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में को किसी ने कहा कि पहली बार 10 अवार्ड्स मिले, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। एंड होप फुल कन्नड़ सिनेमा राइजेस इन ए बिग वे एंड होप मेनी मोर नेशनल अवार्ड्स टू कम इन द फ्यूचर। एंड एक नई बिगिनिंग जैसा लग रहा है मुझे ये अवार्ड्स कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आई होप कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री आगे भी इसी तरह से चलती रहे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। और हाँ, ये खबर सुन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हर कोई एकदम पागल हो चुका है, हर कोई सोशल मीडिया पर डाल रहा है, स्पेशल KGF के डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सभी ने इसको आई थिंक KGF का पोस्टर बना के मस्त डाला है, हर कोई इसे शेयर करा, इट्स अ बिग थिंग फॉर सैंडलवुड सिनेमा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा।